दोस्तों, आज मैं आपको तिल्ली बम, माचिस बम, बीड़ी बम, पानी बम आदि बनाने सिखाने जा रहा हूँ। जो ये माचिस होती है, इस माचिस का मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, जो आप आराम से बना सकते हैं, परंतु सावधानी की थोड़ी ज़रूरत है। इसके लिए हमें करना क्या है, पहला नंबर 3 भाग पोटेशियम क्लोरेट और 1 भाग 999 पाउडर, ये साउंड के लिए है। दूसरा नंबर ये है स्मोक यानी धुआं के लिए, जिसमें KClO3 पोटेशियम क्लोरेट 60 भाग, डाइस्टीन 20 भाग, सॉफ्ट कोक 50 भाग और लैक्टोज 10 भाग, इन सब को अलग अलग छान कर मिलाकर स्मोक पाउडर बन जाएगा। और ये मुंह पर लगाने वाला मसाला है, जो माचिस के मुंह पर पीला पीला लगा रहता है, वो है जिसमें पोटेशियम क्लोरेट 1 भाग और सल्फर 1 भाग। ये सावधानी से बनाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर खतरा रहता है। अब बनाने की विधि ऐसा है, पहले नलकी में प्लास्टर ऑफ पेरिस से नलकियों को एक तरफ से बंद कर लेते हैं। ये ठप्पा है, इसमें एक तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बंद कर देते हैं सारे को। जब वह सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद मैं आपको छोटा सैंपल में सिखा रहा हूँ। इसके बाद में जब ये सूखकर तैयार हो जाए, तो इसमें KClO3 सफ़ेद क्लोरेट और 999 वाला मसाला डालते हैं। इस मसाले को डालने के बाद में इन चारों आइटमों को आपस में मिला लेते हैं। मिलाकर इसे छान लेते हैं। अभी स्मोक का तैयार हो गया मसाला, इसे ऊपर तक भरते हैं नलकी के अंदर। स्मोक का मसाला भरकर तैयार हो गया है, अब हम इसे रख देते हैं। इसके बाद में हम बहुत आराम से सल्फर और इसको आराम से पाउडर को मिला लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर को। मिलाने के बाद हम इसको
एनसी लेकर, एनसी लेकर के साथ मिक्स करते हैं। ये डब्बी में थोड़ा रंग था इसलिए ये हरा हो गया है। ये पीले रंग का मसाला तैयार होता है। ये थोड़ा पतला हो गया तो इसे 2 मिनट खुला रहने दें, जिससे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो इस पर पेस्ट कर देते हैं साथ के साथ किसी पत्ती आदि से। लगर के साथ में लेप करने के बाद में गड्डी को सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद इसे पैकेट में पैक कर देते हैं। बस तैयार हो गया।